ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाणे जिले के उल्लासनगर के कैंप 4 स्थित केनरा बैंक के पीछे शनिवार रात एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान नशे में ही दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोस्तों ने ही हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर विट्ठलवाड़ी पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दिनेश चाधुराम शर्मा 30 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो हत्या में शामिल दिनेश के दो दोस्तों का नाम सामने आया है। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। रविवार की सुबह दिनेश के दोनों दोस्तों को आशीष करीरा और सागर ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि शराब पी रहे थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर दिनेश से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसके सिर पर पत्थर मारकर फरार हो गए। एक बार फिर नशे की हालत में हत्या कर दी गई और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त ही निकले। या संपूर्ण प्रकरण आरोपींनी पूर्व वैमनस्यातून मैतास मारहाण केली होती आणि त्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झालेला आहे। आरोपी डोंबिवली उल्हासनगर कल्याण भिवंडी असा पळत होता रात्रभर। आमचे पोलीस त्याचा मार्ग काढत बातमीदाराशी बोलून माहिती घेत वारंवार त्याच्या पाठीमागे होते। काल सकाळी 7 वाजता पोलीस कामावर आले होते, रात्री 12 वाजता इन्फॉर्मेशन समजली। गुन्हा दाखल करून त्याच्या आरोपींच्या पाठीमागे सतत टीम पळत होती। आज संध्याकाळी 6 वाजेच्या सुमारास आम्ही आरोपीला अटक केली आहे आणि आम्ही पुढील तपास करत आहोत। राजेश ठाकूर आणि मयत दिनेश साधुराम शर्मा या दोघांचा अपसात यापूर्वी एकदा भांडण झालं होतं, त्याबद्दल हिलाईन पोलिसला एक NC दाखल आहे आणि त्याचा राग धरून हे तिघही जुने मित्र आहेत। हे तिघही एकत्र आले आणि त्यातील आरोपी आशिष शर्मा, आशिष परेरा व सागर ठाकूर यांनी दारूची बॉटल एका ठिकाणी घेतली आणि ती बॉटल घेऊन ते मयत दिनेश साधुराम शर्मा याला घेऊन गुरुघराच्या त्या ठिकाणी आले। असे तपास निष्पन्न होत आहे आणि पूर्वीच्या भांडणाचा राग धरून त्यांनी मैतास मारहाण केली। मैताला मारहाण करताना त्यांनी काचेची बॉटल, लाकडी दांडका आणि फरशीचा तुकडा अशा साधनांचा वापर केला असण्याची शक्यता आहे, त्याचा तपास चालू आहे। बहरहाल पुलिस ने मृतक दिनेश के भाई मनोज की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आशीष करीरा और सागर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।